नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनो एसबीआई से घर बैठे लोन कैसे लें, वो भी 5 मिनट में बिना बैंक जाए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूनो एसबीआई से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा बैंक में। आपको एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा 567676 पर, PAPL लिखकर, बैंक का लास्ट का 4 डिजिट लिखकर। इधर मैं लिख भी दिया हूँ आपको, 567676 पर PAPL लिखकर, बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट लिखकर मैसेज सेंड करेंगे। जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपका होम ब्रांच जो रहेगा वो आपको मैसेज का रिप्लाई देगा और बताएगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं। आपका बैंक आपको मैसेज करके भी बता सकता है और कॉल करके भी आपको बता सकता है। आपका अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो आपको कम लोन मिलेगा, अगर आपका पहले से कोई लोन नहीं चल रहा है तो आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है, वो आपको मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा बता दिया जाएगा। या जब आप यूनो एसबीआई को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें भी आपको दिखा देगा कि आपको कितना लोन आप ले सकते हैं। और दोस्तों इस लोन की खास बात आपको बता दें कि आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही यूनो एसबीआई से 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में आप लोन ले सकते हैं। आपका जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिक्स नहीं रहता है, किसी को कम, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। मुझे कितना इंटरेस्ट रेट पे कितना रुपए मिला था ये वीडियो में आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको लोन लेकर भी बताऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों आपको बता दें, वीडियो बनाने में जितना टाइम लगा है उतना टाइम लोन लेने में नहीं लगता है। लोन मात्र आप अगर प्रोसेस आप सीख जाएंगे तो मात्र 1 मिनट में, 2 मिनट में भी आप लोन ले सकते हैं। वीडियो बनाने में आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और दोस्तों आपको बता दें आप यूनो एसबीआई से ही लोन ले सकते हैं। अगर आप यूनो एसबीआई नहीं चलाते हो तो आप यूनो एसबीआई को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप यूनो एसबीआई को लॉगिन कर लेंगे, उधर देखेंगे आप फ्रंट में ही देखेंगे कि एवल नाउ ये दिखाई दे रहा है, जो इधर दिखाई दे रहा है आप देखिए गौर से, इधर दिखाई दे रहा है कि 8 लाख आप लोन ले सकते हैं। मेरा 8 लाख दिखा रहा है, एवल नाउ पे इधर क्लिक करेंगे और ये अगले पेज में आ जाएंगे। इधर दिखा रहा है लोन का अमाउंट, दिखा रहा है कितना अमाउंट है मेरा, 8 लाख है। कम भी ले सकते हैं आप, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरा इधर दिखा रहा है मैं कम से कम 25,000, 25 से कम नहीं ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख, 8 लाख से ज़्यादा मैं लोन नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों इधर मंथ दिखा रहा है, 72 मंथ में मुझे पेड करना पड़ेगा, आप कम भी कर सकते हो, जैसी आप ईएमआई रखना चाहो। बेस्ट इंटरेस्ट रेट हमारा 10.85 दिखा रहा है। हो सकता है आप जब लोन लो तो आपको कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये बैंक के ऊपर है। ईएमआई आप कर सकते हैं इधर, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जितना इनकम है उसका कुछ परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज से ज़्यादा आप ईएमआई आप नहीं कटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इधर मैं लोन का अमाउंट सेट कर देता हूँ, 8 लाख रुपए चाहिए मुझे, मैं पूरा 8 लाख कर देता हूँ। इधर मैं कितने मंथ में चुकाना चाहता हूँ तो मैं इधर कम कर देता हूँ, 48 कर देता हूँ।
मैं चार साल में लोन कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं 4 साल कर देता हूँ। EMI दर हमारी बनेगी 20,619 रुपये। ये हर महीने मुझे इतना पेड करना पड़ेगा। मैं इधर सेट कर दिया हूँ 48 महीने। इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है आपको 10.85 और 20,619 रुपये हमारी EMI बनेगी। इसके बाद आप इधर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, अब इधर दिखा रहा है EMI स्टार्ट कब करेंगे। आप डेट फिक्स करनी पड़ेगी आपको, कब आप कटाना चाहते हैं। कोई भी डेट सेट कर लीजिए जिस डेट में आप कटाना चाहते हैं। 1 तारीख को कटाना चाहते हैं, 2 को, 5 को, 10 को, जितना आपका जिस डेट में आपका पेमेंट आए उसके बाद में आप कब कटाना चाहते हो जब आप सेट कर सकते। मैं इधर 5 तारीख सेट कर देता हूँ। आप जिस डेट में कटाना चाहें वो डेट आप सेट कर लीजिए। मैं इधर सेट कर दिया हूँ, मैं ओके कर दूँगा। और देखिए मेरा 5 जून, मैं 5 जून से अपना EMI कटाना शुरू करता हूँ, तो मेरा ये सेट हो गया 5 जून। अब इधर नेक्स्ट पे जाएंगे तो इधर सारा डिटेल दे रहा है कि कितना अमाउंट कितनी डेट में आप ले रहे हैं, कितना अमाउंट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना EMI कटेगा, सारा डिटेल इसमें दिया गया है। आप सारा डिटेल इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, सारा डिटेल दिया गया है इसमें। आप जब अमाउंट समय से पहले आप लोन को क्लोज करेंगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कितना परसेंटेज आपका लगेगा, सारा डिटेल इसमें दिया गया है। आप तसल्ली से आराम से पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही इसमें एग्री कीजिए। नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें टिक करेंगे, पढ़ने के बाद आप एग्री हैं टिक कर देंगे, उसके बाद में कन्फर्म करेंगे। जब आप कन्फर्म करेंगे तो अगले पेज में आप चले जाएं। इधर आपको दिखा रहा है कि आप 8 लाख अमाउंट मिलेगा आपको, 48 मंथ में आपको पूरा करना पड़ेगा। EMI बनी है आपकी 20,619 रुपये। बाकी अकाउंट नंबर दिखा रहा है आपका, किस डेट में आप पे करेंगे वो दिखा रहा है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इधर आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, आप OTP डाल दीजिए और कन्फर्म पे जब करेंगे आप क्लिक, तो ये देखिए मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। ये मैसेज भी आ गया, 8 लाख रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसेस है। आप बिना बैंक जाए, बिना डॉक्यूमेंट दिए, घर बैठे आसानी से लोन ले सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको भी अगर लोन की ज़रूरत है तो इसी तरीके से आप भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।